दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत किस तरह करें जो कि प्यास कम लगे। उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं जो मैंने खुद आजमाए हैं और बहुत इजीली अपने व्रत को कंप्लीट किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि ये करने के बाद आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी तो ये झूठ होगा। हाँ, ये करने के बाद आपको प्यास थोड़ी कम लगेगी, और लगेगी भी तो आप उसे आसानी से सहन कर सकेंगे। तो पहली टिप है कि निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की शाम को आप मीठा भोजन करें। खाने में नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर पॉसिबल हो तो आप सिर्फ मखाने की खीर बनाकर खाएं। चावल आपको नहीं खाने हैं क्योंकि एकादशी से एक दिन पहले भी चावल नहीं खाए जाते हैं। दूसरी टिप है कि निर्जला एकादशी वाले दिन आप कम से कम 4 बार स्नान करें। इससे आपकी बॉडी को नमी मिलेगी जिससे प्यास कम लगती है। हो सके तो शावर लें। तीसरी टिप है कि एक स्प्रे बॉटल में ठंडा पानी भरकर फ्रिज में रख लें और बार बार अपने चेहरे पर अपने सिर के बीचों बीच स्प्रे करते रहें, जिससे आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी। चौथी टिप है कि अपने पैरों में गीला तौलिया लपेटें। इससे जो पैरों में आग निकलती है उससे आपको राहत मिलेगी। तौलिए को ठंडे पानी में भिगोएं, फिर पैरों में लपेटें। पांचवी टिप है कि अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो आप बहुत कम बोलें, क्योंकि बोलने से होंठ सूखते हैं, गला सूखता है तो बार बार प्यास लगती है। अगर आप मौन रहेंगे तो ऊर्जा अंदर ही संचित हो जाएगी जो आपको व्रत कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। छठी टिप है कि व्रत में कुछ लोगों के सर में दर्द होने लगता है तो उनको व्रत करना और भी मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए आप धूप में बिल्कुल ना निकलें। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई काम रह जाए, लेकिन आप धूप में छत पर ना जाएं। उस दिन कपड़े आप नीचे सुखा लीजिए या फिर किसी और की हेल्प लीजिए, लेकिन आप धूप में बिल्कुल ना निकलें, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। और सातवीं सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है, इसके बगैर आप व्रत रख ही नहीं सकते। वो ये है कि आपको पूरे दिन प्रभु की शरणागति रहिए। उस दिन पूरे दिन उनका नाम जाप कीजिए मन ही मन। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बड़ा लगता है तो 2 बार में कीजिए, 3 बार में कीजिए, मैं तो कहती हूँ 5 बार में कीजिए। हर बार 200 नाम का जाप करिए। इस तरह आप पूरे दिन उनके नामों का जाप कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु की कृपा से तो भव सागर भी पार हो जाता है। ये तो सिर्फ एक दिन का व्रत है। तो दोस्तों इन 7 टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो व्रत कब पूरा हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन व्रत आप तभी करें जब आपकी अपनी खुद की इच्छा हो, क्योंकि देखा देखी या जबरदस्ती व्रत करेंगे तो आपको भूख भी लगेगी और प्यास भी। अगर आप अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से व्रत करेंगे तो आपको कोई परेशानी भगवान से बड़ी नहीं लगेगी और आप खुशी खुशी अपना व्रत पूरा कर सकेंगे। लेकिन व्रत शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प अवश्य कर लें। इससे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी जो आपके व्रत को पूरा करने में हेल्प करेगी। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं लेकिन करने के बारे में सोच रहे हैं कि कब से करें, तो आप इस निर्जला एकादशी से अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एकादशी है और वैसे भी शुभ काम को करने के लिए इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए, उसे जल्द से जल्द करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आप निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपको साल की सभी 26 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।